मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उल्लासनगर में एक व्यापारी पर तलवार से हुआ हमला, एक आरोपी गिरफ्तार जबकि मुख्य आरोपी अभी भी है फरार। आपको बता दें कि उल्लासनगर शहर में दो व्यापारियों में दुकान की आपसी विवाद में गुस्से में आकर एक व्यापारी ने जानलेवा हमला कर दिया है और जानलेवा हमले में उसे जान से मारने की कोशिश की गई और ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारी का नाम है रवि पेशवानी। इनका गोल मैदान परिसर में महालक्ष्मी स्नैक्स नाम की एक दुकान है और उसी परिसर में पवन गुप्ता की टेलीफोन स्टैंड के पास एक जूस सेंटर की दुकान। रवि और पवन के बीच में इस दुकान व्यवसाय को लेकर विवाद चल रहा था और रवि को दुकान बंद करने की धमकी भी दे गई थी, जिसको देखते हुए रवि के ऊपर जानलेवा हमला होने की संभावना भी थी। रवि पेशवानी ने बताया कि पवन गुप्ता ने अपने साथियों के साथ दो बार हमला करने की कोशिश की है। इस बार रवि पर तलवार से हमला हुआ है लेकिन उनकी जान बच गई है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और उल्लासनगर पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले में एक आरोपी सचिन अहिर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। उल्लासनगर शहर पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। रवि, क्या हुआ है आपके साथ, किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है? सर, झगड़ा ऐसी बात पे है, मेरा दुकान है गोल बाजार में महालक्ष्मी स्नैक्स कॉर्नर, जिसके विषय में लफड़ा चालू है। मुझे पता नहीं था, मुझे 20 दिन पहले बोला गया था तू दुकान बंद कर, नहीं तो तुझे मारेंगे हम लोग। तो मैंने वो बात को सीरियसली लिया नहीं क्योंकि वो भी धंधे वाला था एक, ठीक है। मैंने बोला जान दो, कुछ नहीं हुआ इस चीज पे, होता नहीं है। तो ये मेरा हादसा हुआ पहले 25 तारीख को मेरे साथ मधुबन चौक पे, तब मैं बच के वहां से निकला, वो क्योंकि गिर गए थे वहां पे इसके लिए। दूसरी बार हादसा हुआ 1 तारीख को, 25 तारीख का केस चालू था चौकी में, हरगड़ी में जा रहा था भाई, हाँ कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, वही चीज चालू थी। उसके बाद में 1 तारीख को जब एक्शन में आए, 1 तारीख को मेरे साथ लफड़ा हुआ है बालाजी मेडिकल के यहाँ पे, वहां पे मेरे को अटैक किया सामान के साथ में, सबके हाथ में तलवार चाकू थे मेरे को मारने की कोशिश में। अगर मैं वहां से भागता नहीं था तो शायद मैं आपके सामने नहीं बैठा होता था। फिर सीनियर साहब ने बोला मैं कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई करूंगा। कल उन्होंने गुनाह दाखिल किया 307 के लिए, अच्छा काम किया सर ने, बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ में क्राइम पीआई ने, उन्होंने भी काम किया अच्छा बहुत। अभी आगे देखें, सिर्फ आरोपी हैं जो उनको पकड़ा जाए, नहीं तो मेरे जान के ऊपर और हमला है। कौन है आरोपी है? आरोपी पवन गुप्ता है। और उसके साथ कौन है? उसके साथ अन्य आदमी मुझे पता नहीं है। उसके साथ कितने लोग थे? 5 जन। ये हादसे में 5 जन थे, पहले हादसे में 2 जन। उनके आजू बाजू में जो सीसीटीवी है, मैं मेरी मांग ये है उनकी कार्रवाई की जाए, सीसीटीवी ली जाए वहां से। उनके दुकान पे सीसीटीवी है जो हमला कर रहा है, उसके दुकान पे है, वहां से भी कार्रवाई करके देखी जाए, मेरी मांग ये है अभी।